हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग बस में हैं और हम लोग जा रहे हैं उडुपी, जो बैंगलोर से वन नाइट लगता है। हम लोग सुबह रेडी होकर के पहुंच गए मालपे बीच। काफ़ी यहाँ पे गर्मी था, धूप बहुत था। हम लोग जनवरी में गए थे, ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। यहाँ मालपे बीच से सन मैरी आइलैंड के लिए फेरी वगैरह जाता था, तो हम लोग फेरी किए जो कि 400 पर पर्सन था। फेरी के लिए यहाँ पे लंबा लाइन लगा हुआ था, हम लोग चढ़े और फिर गए। फिर काफ़ी खूबसूरत था, एकदम दूर दूर तक पानी पानी दिख रहा था। व्यूज़ काफ़ी अच्छा था, बहुत मस्ती की हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे रियांस डर रहा था, बाद में पहले तो डर रहा था, फिर बाद में वो भी इंजॉय करने लगा। सेंट मैरी आइलैंड के अंदर एक रास्ता था जहाँ काफ़ी ग्रीन ग्रीन था, बहुत सुंदर था। और इसका बीच ना थोड़ा अलग था, हटके बहुत सुंदर था। रॉक वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी बहुत था। यहाँ के बीच के साइड जो ये बालू है ना, रेत, ये बालू नहीं था, ये ना कुछ और ही था। ये आप देख सकते हो, सिप बोलते हैं ना इसको शायद, वो था। अब पूरा सिप सिप था। अगर आप खुले पांव चलते ना तो ये आपके पैर में बहुत चुभता। बहुत सुंदर लग रहा था ये। और यहाँ के बीच में जाना, मतलब पानी में जाना अलाउ नहीं था, पता नहीं क्यों। अब बाहर बाहर ही अब बस देख सकते हो, फिर भी हम ज़बरदस्ती घुस गए थे अंदर। और यहाँ रॉक वगैरह बहुत, ये मुझे बहुत सुंदर बीच लगा। उडुपी का बेस्ट बीच मुझे लगा, काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ हम और सब जा रहे हैं। बहुत हम यहाँ पे बहुत इंजॉय किया और यहाँ पे तो फ़ोटो तो बहुत ही सुंदर आ रहा था। मुझे भी चढ़ना है, आ जाओ। कैसे चढ़ूं? वहाँ पैर रखो। हम लोग बीच पे इंजॉय करके फिर चल दिए बाहर की तरफ। ये ग्रीनरी यहाँ पे, वो बेड वगैरह बहुत मतलब पड़ा हुआ था। बाहर निकल गए और फिर यहाँ से हम लोग फिर से फेरी लेकर के वापस से मालपे बीच जाना था। मालपे बीच से हम लोग गए हैंगिंग ब्रिज, जो कि उडुपी का काफ़ी फेमस है और काफ़ी खूबसूरत भी है। हाय जोई, अभी क्या करना है, कैसा लगा? फेस पूरा रेड हो गया मैडम, फेस पूरा रेड हो गया। और ये हम लोग आ गए हैंगिंग ब्रिज के पास। किमानू हैंगिंग ब्रिज, यहाँ पे वोटिंग भी होता है। मस्त ब्रिज है, खुद से हो रहा है, करना पड़ता है शायद वोटिंग। हाँ काफी लंबी। हैंगिंग ब्रिज से फिर चले गए डेल्टा पॉइंट पे। ये ऐसा यहाँ पे है ना कि समुद्र और नदी का पानी ये सब मिलता है ना यहाँ पे, समुद्र और नदी का पानी जाके मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। हाँ, उसको इसीलिए डेल्टा पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे वो सनसेट भी काफ़ी अच्छा होता है, हम लोग वो भी इंजॉय किए। और ये समुद्र, ये मुझे उतना पता नहीं चल रहा था कि कौन सा समुद्र और कौन सा नदी था, लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा था। हाँ, और स्पीड थोड़ा सा था, नदी में थोड़ा कम था और समुद्र में लहर थोड़ा ज्यादा था। इसका बालू भी थोड़ा अलग था ना, सैंड थोड़ा अलग टाइप का, वाइट सैंड जैसा था। सुंदर था ये भी बीच, काफी सुंदर था। नहीं,
पॉइंट पे शाम हो गया था तो ये सनसेट भी हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो बनाया रियांस के साथ, मस्ती किए, काफ़ी मज़ा आया आपका। नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे कृष्णा टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है उडुपी का, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा कैंपस है इसका, इसमें बहुत सारे टेम्पल है, जबकि जो सबसे फेमस है वो कृष्ण जी का टेम्पल है। काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लंबा भीड़ रहता है, हमेशा ही भीड़ रहता है, मठ टेम्पल इसको बोला जाता है। ये क्या है? ये नहीं, हमको नहीं पता है क्या, रथ उठा शायद निकलता होगा रथ भगवान रथ सब। ये आप खिड़की से भी कृष्ण जी का दर्शन कर सकते हैं अगर आप अंदर से नहीं जा सकते, अगर लंबा भीड़ हो तो। और यहाँ पे डायरेक्ट ही विंडो से दिखते हैं भगवान, और अंदर बहुत ही अच्छा है, बहुत कीर्तन वगैरह होते रहते हैं हमेशा। फिर हम लोग वहाँ से सी वॉक पे गए, जो कि मालपे बीच पे ही है, मतलब दूर है थोड़ा, सारा एक ही बीच है तो उसका नाम भी एक ही है, बस यहाँ पे सी वॉक है जो कि काफ़ी लंबा है। यहाँ सी वॉक पे कुछ स्टैचू वगैरह बने हुए थे जो लग रहा था कि रियल आदमी है, काफ़ी अच्छा मतलब तरीके से बनाया हुआ है, एकदम रियल लग रहा था। और ये है सी वॉक जो कि पानी के समुद्र के बीचों बीच बनाया हुआ है, काफ़ी लंबा है। धूप बहुत था, हम लोग का तो हालत ख़राब हो गया जाते जाते, लेकिन अच्छा है, थोड़ा पानी और पास में रहता ना तो और भी अच्छा लगता, ये पानी थोड़ा दूर में था। मछली बेचने जा रही है आंटी। ये मछली पकड़ के लाया है। हाँ, पीछे बच्चा भी है यहाँ पीछे। हेलो, आ गए हम लोग इंड। उधर भी पत्थर है बट यहाँ पानी रहता तो ज्यादा अच्छा लगता ना। देखो तो यहाँ से कितना अच्छा फोटो आ रहा है। पर शॉपिंग वगैरह का है, देख सकते हो। आज हम लोग फिर से मालपे बीच आए हैं और यहाँ पे थोड़ा बैठ के चिल कर रहे हैं। और इधर ऋषभ, आज भी काफी सारा वाटर स्पोर्ट्स हम लोग दूर से देख रहे हैं। मैं ये वाटर स्पोर्ट की जो काफ़ी ठीक ठाक था, उतना भी सही नहीं था, ये 150 का था। मैं अकेले ही जा पाई क्योंकि रियांस को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। और मैं आ गई इंड में और ये अब देख सकते हो पानी के बीच। आ गए अभी बीच से, अब बीच साइड में एक रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। कैसा लग रहा है आपको? हमारा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा उडुपी का। अब 2 दिन के लिए जा सकते हो उडुपी, 2 दिन बहुत है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।